हवाओं से सीखा है मैंने मेहनत करना और वक्त से सीखा है मैंने शांत रहना और अग्नि से सीखा है मैंने तपना। वक्त चाहे जैसा भी हो हर हाल में है चलना, तभी तो हम अपने माँ पापा को बता पाएंगे कि क्या है हमारा सपना। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूँ HP मांचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। ब्लॉग को शुरू करने से पहले जो चैनल में नया आपने करना चैनल को सब्सक्राइब, तो चलो शुरुआत करते हैं नए दिन के और नए ब्लॉग के साथ। लेकिन सबसे पहले आप आज का मौसम ही देख लो। कुछ दिनों से जो मौसम आप ऐसे ही देख रहे, बादल ही बादल होते, कभी धूप लगती कभी लगती नहीं है। देख लिया तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे अपने फाट से। फाट बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी में, और कुछ लोग जो रूटा बोलते हैं, मतलब रूटा ज़्यादा जानते हैं, रूटा और फाट एक ही होता है। तो यहाँ पे होती है बहुत सारी घास काटने के लिए, तो हम सुबह ही आए थे यहाँ पे घास काटने और एक रूटा कर दिया हमने आज ख़त्म। बस थोड़ा जैसे ही बचा है और मैंने काट लिया। मैं जा रही अब घर, क्योंकि घर जाके बनाना है मुझे खाना, तो जितना बचा है मम्मी पापा भाव वो सब कर लेंगे यहाँ पे ख़त्म। तो चलो चलते हैं अब फटाफट से, है ना। यहाँ से नीचे से जाके काटा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से ऊपर तक। और अपने जानवर भी लाए हमने यहाँ पे साथ में चराने के लिए, साथ में अपना काम भी हो जाएगा। और उधर बड़ी ताई और भाई, यहाँ पे नीचे जैसे छोटी ताई, तो अपना बोझा भर है यहाँ पे जाके। उधर जाके रहा अपना गांव, ज़्यादा दूर नहीं है, इधर हम नज़दीकी। और मैंने उतरना अभी यहाँ से नीचे। हाय, मम्मी ने डाल दिया आज मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा घास, और अब यहाँ से उतरा नहीं जा रहा है क्योंकि जब भोजा भारी होता है ना, तो नीचे की साइड उतरा ही नहीं जाता है। और मम्मी कह रही थी निकाल दे, तब कौन रस्सी खोले फिर डाले। स्वेटर घर तो पहुंचाना है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत है ना। चलो फाइनली जैसे तैसे मैं घर पहुंच ही गई, पर बोझे के साथ जैसे सांस ही नहीं ले पा रही हूँ मैं। तो अब बनाने मैंने छोले भटूरे आज अपने पहाड़ी तरीके से, तो देख लेना कैसे भटूरे बनाऊंगी मैं। फ़र्क ये होगा कि उन्हें हम घी में नहीं बनाएंगे, उनको हम सिंपल पकाएंगे, और छोले चने ब्लैक चने और उनमें डालेंगे हम आलू। हाँ, मम्मी पापा आने वाले होंगे, मेरे को फटाफट से करना होगा। सबसे पहले पानी पीऊँगी और इसको उठा के कहीं और ही जगह पर रखना। सबसे पहले करेंगे हम भटूरे का काम। तो मम्मी ने पहले जो रोटियां गोल गोल करके बना के रख दी थी, और इसमें डाला ईस्ट ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैंने आग भी जला ली तंदूर में, अब रखते हैं इनको ऊपर। ओहो,
फाइनली तो इतने दिनों के बाद जो है बारिश के दर्शन हो ही गए। वैसे भी इतने दिनों से जो है ना बारिश हुई नहीं, और मतलब गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और चारों तरफ जो कोहरा ही कोहरा था। अब शायद से ये भी हट जाएगा अगर बारिश सही से हो जाए, बस लगी तो वो सब अच्छे से हो जाए बारिश। वैसे भी ज़रूरत थी बहुत ही ज़्यादा बारिश की। जीनू मुझे रहो उधर से बारिश को, आ जाए यहाँ पे जीनू। नहीं आना भी, बुला लो जब इसका मूड होगा तब भी आएगा भैया। तो शाम का टाइम हो रहा है, हमने सोचा बारिश बहुत ज्यादा होगी लेकिन उससे ज्यादा हुई नहीं बारिश। और अब जा रहे हैं मम्मी के साथ जंगल की तरफ लकड़ी लाने, और साथ में अपने एक बेड्डू भी और ताई के ले जा रहे थे, बट ये आ नहीं रहे ताई के बिना, हम ही चलते हैं। भी पड़े यहाँ पे लकड़ी काटने, और मम्मी लकड़ी काटेंगी तो मैं बोझा डालूंगी फटाफट से। यहाँ पे डाल दिए दोनों बोझे, ये छोटा जैसा मेरा, ये बड़ा जैसा मम्मी का है। चलो निकलते अब घर, चल। मॉर्निंग, तो दूसरी सुबह होगी और आप यहाँ पे फूल के ऊपर पानी देख के आइडिया लगा ही सकते हैं कि आज सुबह जो बारिश स्टार्ट हो गया। अभी तो थम गई है लेकिन पहले लगी थी और चारों तरफ जो है हल्की हल्की सी धुंध आ गई है, और आज ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा दिन बारिश होगी। अब पता नहीं, ये वाला मौसम बिल्कुल सही हो रखा है, साथ में धूप भी लगी और बारिश भी लगी, ऐसे मौसम में तो अच्छा लगता है।
करती है स्टार्ट अपना काम। और मैं पता क्या कर रही हूँ, तो मैंने करना ये मिक्स, ये रहा गोबर और नीचे रही मिट्टी जिससे हम लिपाई करते हैं घर में। तो ये वाला काम तो हमने करनी है लिपाई घर में, क्योंकि परसों, हाँ परसों है त्यौहार जो कल से स्टार्ट है। और ये मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कौन सा त्यौहार है, इसीलिए जो आज का काम है ना वो हमने पूरा करना है। जिनके मतलब ऐसे गांव में मिट्टी के घर होते हैं ना, जैसे कोई भी त्यौहार हो छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो उन्हें लिपाई करनी पड़ती उस दिन, मतलब त्यौहार के एक दो दिन पहले लिपाई करते हम घर में गोबर और मिट्टी की। मम्मी ने बोला अच्छे से मिक्स करना है इसको, जैसे कि हम आटा गूंथते वैसे ही, बोला सही होना चाहिए तभी अच्छे से लिपाई होती है। तो होगी मिट्टी तैयार कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स, तो चलो अब करते लिपाई। इस तरह से पहले पानी डालो, फिर इसको लो और फिर रखो। तो अब करना होता है इसको इस तरह से फ्लेम, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो एकदम अच्छे से बैठ जाए इसके ऊपर। अंदर तो हो गया आधा से ज़्यादा मिट्टी बच गई, उनको लगाएंगे हम यहाँ पे पौड़ियों में, है ना, इस तरह से। से कर दी मैंने पूरे में लिपाई, अपना काम हो गया ख़त्म। और समझो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे आलू, जो कि मैंने सीधे डाले थे तंदूर में, नीचे जिसे राख बोलते कोयले में, उसमें पकाया मैंने इनको। तो अब खाते हैं, और मैं आई यहाँ पे छोटी ताई के घर में, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। और साथ में बारिश भी हो रही है और मौसम का मज़ा भी लेते हैं, और इनको भी खाते हैं साथ में। थोड़ा सा नमक लगाते और मिर्ची तो अपने वहाँ है ही है। ताई कह रही थी इतनी बड़ी मिर्ची खा ली तूने, आज सिंपल आलू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते, कभी ट्राई मार के देखना आप भी। बट ये करारे नहीं हो ज़्यादा फिर भी। ये टेस्टी है क्योंकि ये करारा हो गया ना, तब आपको वैसे पता है मैं रोटी भी ऐसे जला जला के खाती हूँ जब तो करारी ना हो जाए, और जहाँ पे आलू करारा ना हो तो मज़े नहीं आता। तो फिर इस वाले ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि उसके बाद मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था और लाइट भी चली गई थी, और दूसरा तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, अब जाके लाइट आई है। तो फिर अब जो भी होगा आगे वाले ब्लॉग में, तो इस वाले ब्लॉग का एंड करते इधर ही। और आपने करना वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी ऐसी आपको नए नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए।